आज नहीं यार, 28 कॉल, 12 मैसेजेस, पर आज रिप्लाई तो बिल्कुल नहीं दूंगा। क्यों दो यार, हद करती है तू। क्या तुझे नहीं पता मैं तुझसे प्यार करता हूँ? तुझे नहीं पता क्लास 10 से मैं पागलों की तरह तेरे पीछे पड़ा हूँ? तेरी हर दोस्त को पता है सिवाय तेरे, सिर्फ तुझे छोड़कर पूरी स्कूल को पता है। आज से नहीं यार, बस अब बहुत हुआ। अब तुझसे फिर कभी बात नहीं करूँगा। अकेले ही बैठना अब से तू लास्ट बेंच पे। अब कोई नहीं होगा जो तेरी मम्मी से बोलकर तुझे घर से बाहर लेके आएगा। जब तू लेट हो जाएगी घर जाने पे, तो ये कहकर कि तू मेरे साथ थी, तुझे बचाएगा। अब से जब भी कुछ होगा तो तेरी बातें किसी और को सुनाना। दिन भर की सारी बातें अब तू किसी और को ही बताना। जब भी तुझे कोई प्रपोज करता था तो सबसे पहले मुझे बताती थी, और मेरे मना करने पर तू उसे ना कह देती थी। यार जब आज निखिल ने तुझे प्रपोज किया तो तूने उसे हाँ कैसे कर दिया? मुझसे पूछा भी नहीं, और पता भी तब चला जब तेरी फ्रेंड ने बताया। एक बार नहीं सोचा तूने कि यार आई लव यू, तू इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती थी? ये सब सोच ही रहा था तभी डोरबेल बजी। एंड आई नो तू ही होगी। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, आंसू पोछे और तकिए से मुँह छुपाकर सोने का नाटक करने लगा। ओए उठ, कितने कॉल किए, उठा क्यों नहीं रहा? मैं पागल थोड़ी हूँ जो तुझे इतने सारे मैसेज कर रही हूँ। चल अब उठ जा जल्दी। आंसुओं को रोकते हुए मैं उठा और कहा, तू यहाँ कैसे? तू ये बता पहले, कहाँ है सुबह से, और ये फ़ोन साइलेंट पे क्यों है? तबीयत खराब, मर तो नहीं गया था ना? तू बता ना यहाँ कैसे? मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ तुझे, पता है आज क्या हुआ? हाँ, निखिल ने तुझे प्रपोज किया और तूने उसे हाँ भी कर दिया। तुझे कैसे पता? प्रिया ने बताया। प्रिया भी ना, उसके पेट में कुछ बात नहीं बचती। सबसे पहले मैं तुझे बताना चाहती थी यार। चल छोड़, सही किया ना मैंने? सही किया। तुझे पता है अनुज, मैं निखिल को 9th स्टैंडर्ड से लाइक करती हूँ। तूने कभी बताया नहीं यार। कैसे बताती, वन साइडेड था ना। मुझे लगता था उसे कुछ पता ही नहीं है, मुझे लगता था वो कुछ समझता ही नहीं है। होता है यार कभी कभी, अब सब थोड़ी समझते हैं, सब तेरी तरह समझदार थोड़ी होते हैं। हाँ पर आज जब निखिल ने कहा कि वो मुझे लाइक करता है, तो यार मैं कितना खुश हुई। अभी उसी के साथ थी, उसने बताया कि वो भी मुझे बहुत पहले से लाइक करता था पर कभी कह नहीं पाया। यार अनुज ये सब एक सपने जैसा लग रहा है, और मैं इस सपने को जीना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कोई भी या किसी की भी वजह से मेरा सपना खराब हो। वेट, पता है क्या, वो बहुत खुश है और मैं तो दोस्त हूँ उसका। मुझे भी खुश होना चाहिए ना उसके साथ, ना कि अपने जज्बात उसे बताकर उसे बुरा फील कराना चाहिए। ये जो एक तरफा प्यार होता है ना, इसमें दर्द सिर्फ किसी एक को ही सहना पड़ता है। और जब प्यार मैंने किया था तो दर्द भी तो मेरा ही होगा ना। पर फिलहाल अभी तो वो खुश है, और मुझे भी उसके साथ खुश होना है। चल तो फिर, पार्टी कब दे रही है? अभी चल, निखिल भी आ जाएगा ना। हाँ चल। डोर लॉक किया और अपनी फीलिंग को उस रूम में, जो कुछ समय पहले उसकी शिकायतों से भरा था। पर आखिर में मैंने ये सीखा, प्यार करना चाहिए पर कभी अपनी दोस्त से नहीं। दोस्ती के बीच में प्यार कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, दोस्ती और प्यार दो तलवार की तरह है, कभी भी एक म्यान में रह ही नहीं सकते।